अब दिल्ली नहीं है दूर, क्योंकि अब दिल्ली की सुविधाएं मिलेंगी आपको अपने शहर आगरा में। सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त आयुष्मान हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर, जहां आपको मिलती है दिल्ली के अनुभवी डॉक्टर संजीव यादव व उनकी टीम के निर्देशक में ढेर सारी सुविधाएं, जैसे कि एक्सीडेंटल एंड ट्रोमा केयर सेंटर, हार्ट केयर सेंटर, न्यूरोलॉजी एंड यूरोलॉजी, पेट आंत लीवर गुर्दा रोग क्लिनिक, दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, स्त्री रोग व बांझपन विशेषज्ञ। एड्रेस सिकंदरा बोडला रोड, भावना मल्टीप्लेक्स के सामने, सिकंदरा आगरा। कॉन्टेक्ट नंबर 9719272225। तहसील बिसोली के गांव जलालपुर में जीवन ज्योति आय अस्पताल का निशुल्क कैंप लगाया गया, जिसमें डॉक्टर नितिन पाराश्री व अन्य टीम द्वारा लगभग 150 मरीजों का निशुल्क नेत्र परीक्षण किया गया, और जिस मरीज को चश्मे की आवश्यकता थी उनके चश्मे बनाए गए और निःशुल्क दिया गया। और इस कार्यक्रम का विधायक कुशाग्र सागर ने रिबन काट कर कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। इस कार्यक्रम के आयोजक जतिन ठाकुर ने बताया कि उनके गांव में गरीब असहाय लोगों को अस्पताल तक जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, तथा ऐसे लोग जो नहीं जा पाते थे, इन सब को देख कर उनके मन में विचार आया ऐसे लोगों की मदद की जाए, और उन्होंने इस कार्य को करने के लिए जीवन ज्योति आय हॉस्पिटल का एक निःशुल्क कैंप का आयोजन रखा। इस कैंप के मुख्य अतिथि विधायक कुशाग्र सागर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश वारिश ने, भाजपा राहुल गुप्ता, जन औषधि केंद्र संचालक आदि लोग मौजूद रहे। आज आपने क्या कार्यक्रम रखा या आपने जीवन ज्योति हॉस्पिटल के द्वारा कैंप लगाया, क्या उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य यह है, जो गांव के बुजुर्ग लोग हैं, जो गांव से शहर तक नहीं पहुंच पाते, उन्हें कोई दिक्कत होती है, हम हर गांव में मतलब कैंप लगाते हैं। आज ग्राम जलालपुर में करणी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर जतिन कुमार के कहने से हमने इनके घर पे आवास पे कैंप लगाया, जहाँ कैंप में निःशुल्क दवाइयाँ, चश्मे वितरित किए गए, और जो गरीब लोग हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, फ्री में आँखों को ऑपरेशन भी करेंगे। अच्छा, कितने मरीज आ चुके हैं आपका यहाँ? करीब 150 मरीज अब तक हम दिख चुके हैं, बाकी और संख्या धीरे धीरे आ रही है, बैठे हुए हैं, दिखते रहेंगे बाकी। मैं जतिन ठाकुर, करणी सेना भारत से जिलाध्यक्ष, चूँकि मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, अपने गाँव के विकास के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ और रहूँगा, उसी को देखते हुए गाँव में जो बुजुर्ग हैं और जो गरीब लोग हैं वो शहर तक नहीं जा पाते हैं, जिसको लेकर जीवन ज्योति आई हॉस्पिटल की तरफ से हमने यहाँ कैंप लगवाया है, जिसमें जिनके नेत्र में कोई भी कमी है या कोई दिक्कत है, उनको फ्री टेस्टिंग और फ्री दवाई यहाँ दी जाएगी उनको। जैसे प्रधान के चुनाव आ रहे हैं सर, उसको लेकर कोई प्रक्रिया? सर, अभी तक तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, चूँकि हमारा उद्देश्य ये है कि गांव का विकास हो, जरूरी नहीं कि प्रधानी को लेकर ही कोई कार्य किया जाए विकास का, तो ऐसा अब तक कोई भी उद्देश्य नहीं है। अच्छा, आपकी करणी सेना किसे सपोर्ट करेगी आने वाले चुनाव जो आ रहे हैं? करणी सेना खुद में एक सेना है, हम किसी के सपोर्ट में नहीं रहते, किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रहता है। समाज में जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत आती है, किसी भी समाज के व्यक्ति को या कहीं भी किसी को प्रताड़ित किया जाता है, तब हम वहाँ पहुँचकर उसकी मदद करते हैं, बाकी किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं रहता है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।